वो व्यवहार बहुत करते गंदे थे। तरीके से मेरे साथ मारपीट करते थे। भाई मुझसे खुद देखा नहीं जा रहा, ये रो रहे हैं। मैं 10 दिन का मेरा बच्चा था तभी मैंने अपना घर छोड़ा। कि आप सुसाइड करने भाग चुके थे। मैंने पंखे से भी लटकने की कोशिश की और मैंने गोलियां भी खाई। भाई मैं हूँ विके, जिंदगी होगी शर्मसार, कति शर्मसार होगी इंसानियत। रोज तक मैं आज बैठा हूँ जींद भाई पास के सारे भाई। या वीडियो लास्ट तक देखियो मेरी, चाहे और कोई भी वीडियो मत देखियो। लड़की बेचारी रो रही है और क्या ही करे भाई ऐसी, क्योंकि दुनिया इनकी उजड़गी। तो जी आप रो मत, आप ये रुमाल ले लो और अपने आंसू पोंछ लो पहले। आज यह वीडियो में दिल तक बना रहा हूँ। भाई मुझसे खुद देखा नहीं जा रहा, ये रो रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है जी किसी प्रकार की, हमारे से जितना सहयोग होगा ना हम सहयोग करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम आशा है सर। क्या दिक्कत हुई आपको? जिंदगी शर्मसार कैसी होगी और रोहतक में ऐसी घटना मेरे को पहली बार सुनने मिली है कि आप सुसाइड करने भाग चुके थे। जी ये सच है? हाँ जी सच है। आपके हस्बैंड मार पीटते हैं आपको? हाँ जी, मेरे हस्बैंड मेरे साथ मार पीट करते थे, ड्रिंक करके मेरे ऊपर हाथ वाथ उठाते थे। अच्छा। कई बार उन्होंने किया, मैंने कंप्लेंट वगैरह भी की लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा। उसके बाद मैंने सुसाइड करने की कोशिश की एक दो बार। मैंने पंखे से भी लटकने की कोशिश की और मैंने गोलियां भी खाई। और मेरी फैमिली भी नहीं है, मेरे हस्बैंड की फैमिली भी मेरे साथ नहीं है, ना मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं। तो भाई ये देख सकते हो आप, ये वो लेडीज हैं जिनके ऊपर बहुत सारा अत्याचार हुआ है, जिनके आगे ना पीछे कोई है, कोई दाल तक खिलाने वाला नहीं, एक रोटी का टूक खिलाने वाला नहीं। ये दो बच्चे हैं, ये लड़की आंखों से अंधी है जन्मजात, इसको दिखाई नहीं देता बेचारी को। बिना आंखों के हम संसार कैसे देख सकते हैं, हम सोच में पड़ जाते हैं। ये बेचारी लड़की बचपन से ही अंधी है, दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती इनको। आपके हस्बैंड कितना मार पीटते थे? डेली मारते थे? डेली मार पीट करते थे, वो शाम को दारू पी कर आते थे, मार पीट करते थे, बच्चों पर भी हाथ उठाया उन्होंने कई बार। मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ भाई, ये फैमिली बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है, इनके आगे ना पीछे कोई भी। और पीने का दूध ही छोटे से बच्चे का देख लो, दूध तक नहीं है, ये थोड़ी मोटी चाय ऐसी होगी, पानी पुनी में घोल रखा होगा थोड़ी सी पत्ती पत्ती, ना कोई सुननिया ना कोई कहनिया। तो इस वीडियो का बनाने का मकसद है भाई, हम क्या सहायता कर सकते हैं इसके जरिए। अगर मैं इस चीज की पहल उठाता हूं तो भाई ये मेरी पहली वीडियो है। तो भाई जितने भी विके के दर्शक है, जितने भी आज ये वीडियो देख रहे हैं, एक तो इस वीडियो ने शेयर कर दो, बच्ची का ट्रीटमेंट भी हो सके है, इसके जन्मजात जो आंखें हैं वो चेंज हो सके हैं, इसका ऑपरेशन होकर भाई या दुनिया ने देख सके है। तो जितने भी विके की यह वीडियो देख रहे हैं भाई, प्लीज थोड़ी थोड़ी मदद कर दो बस, चाहे 10 रुपया ही करो, चाहे 50 की, 500, 1000, 5000, जिसका जितना ब्योत है, आज इस अंधी बच्ची खातर और इस दुखियारी लुगाई खातर थोड़ी सी मदद कर दो यार। ये इनके छोटे मोटे बर्तन है देख सकते हो भाई, कुछ भी कोना रहा इनका। तो इनका के यार लेडी बहुत दुखी हो रही है, ये देख सकते हो भाई, आटा है ही नहीं, नाम मात्र ही है, तो ये क्या बना के खाएंगे, शाम की रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसका भी कोई इंतजाम नहीं है कि भाई कैसे जिए। आप अभी शाम को रोटी खाते हो, सुबह का आपको पता है मिलेगी या नहीं मिलेगी? कुछ नहीं पता होता। कुछ नहीं पता होता? नहीं, आंटी है किस घर में, ये घर मेरा नहीं है, मैं किराए पर हूँ, तो किराया वगैरह भी वो मुझसे नहीं लेती हैं। तो पिछले महीने ये सब घटना मेरे साथ हुई भाई, मेरी खुद रूस ही काप गई यार, मेरे पर देखा नहीं जानता, ये रोन लाग रहे सारे भाई। कौन इसके आंसू देखेगा, कौन इनके आंसू पोछेगा भाई? लड़की बेटा रो मत, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। और भाई मैं बड़ा इमोशनल हो रहा हूँ, बड़ा भाई दुख हो रहा है मैंने इस चीज का। आगे का आपका क्या राह है, कोई आपने सोचा कुछ आगे कैसे जियोगे? नहीं, मैंने कुछ नहीं सोचा, कोई राह नजर नहीं आ रही है, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी सीजेरियन मेरा बच्चा हुआ था ऑपरेशन से, तो मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ मारपीट की। उसके बाद 10 दिन का मेरा बच्चा था तभी मैंने अपना घर छोड़ा। 10 दिन का था मेरा बच्चा तभी मैंने घर छोड़ा था। टांके वाके लगे हुए, पुलिस थाने भी गई, वहाँ पर भी मैंने कंप्लेंट वगैरह की लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ, मजबूरन मुझे निकलना पड़ा वहाँ से। ये सब चीजें हमारे साथ हुई। हाथ जोड़कर आप लोगों से मेरी गुजारिश है, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो हमारी मदद करें। तो भाई थोड़ा थोड़ा अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करो, तक जज्जर, रांची, सार, पानीपत, गुड़गांव, चंडीगढ़, सोनीपत, पूरा हरियाणा, पूरा इंडिया, जितने भी अपने भाईचारा है, या वीडियो जरूर पहुंचाओ भाई, तो तक मैं इसकी मदद करो भाई। जींद भाई पास पे आके ये जो नंबर डिस्प्ले कर दिया होगा, तो फोन कर लो, आसपास के जितने भाई समाज सेवी है वे भी आके भाई मदद करने लाग रहे हैं, थोड़ी थोड़ी अपनी जितना जिसका हो सके, आड़े खुद पैदल आके भी मदद करें भाई, जींद भाई पास पे आके ना कि भाई ले चलना थोड़ी बहुत मदद कर दे। इस वीडियो ने शेयर जरूर कर दो, हर घर में इस वीडियो ने पहुंचा दो भाई, मदद जरूर कर दो, मेरे पे जितनी हुई मैंने मदद कर दी भाई साहब। ये जो नंबर दे दिया है इन पर गूगल पे फोन पे कर दो। हाँ जी, आप ही का बैंक अकाउंट आपका खुलवा दिया? हाँ जी ठीक है, इन्हीं का बैंक अकाउंट है भाई, थोड़ी थोड़ी मदद कर दो भाई, इतनी मदद कर दो,
इनका घर अनाज आ जाएगा थोड़ा सा। देखो बालक बच्ची कती रोन लाग रही है, खान न दाने को ना जमा भी, चूंद का भी पकती खाली बोल रहा है भाई। या अंधी बच्ची की मदद हो जाए, कोई डॉक्टरी सा हो जाए इस वीडियो की वजह तो वो मदद कर दे। कोई दूर बैठे भाई, कोई विदेश में बैठे भाई भी थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करो भाई, इनके अकाउंट में थोड़ा थोड़ा पैसा भिजवा दो, हमने ना चाहिए भाई, हम भी खुद कंट्रीब्यूशन करने लग रहे हैं ताकि इनका आगे घर चल जाए। यह वीडियो जरूर तो जरूर शेयर करियो सारे भाईचारों द्वारा, मेरी हाथ जोड़ कर गुजारिश है भाई कती मदद करो, आज थार मदद मांगना आगे रहे। पहली वीडियो मैंने आज तक कोई सी वीडियो नहीं बनाई जिसमें मदद मांगनी पड़ जाए, पर यह स्टोरी देख कर भाई आंखें पानी आ गया इस परिवार की, इन नन्ही सी जान की जो कि अंधी है बेचारी, जिसकी आंखें में आंख नहीं है, मदद करना हमारा फर्ज है। तो भाई जरूर मदद करियो सारे भाइयों ने, राम राम भाई, मदद जरूर करियो भाई इनके परिवार की। जो नंबर डिस्प्ले कर दिया इसी पे फोन पे गूगल के, अपना थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन करके आज इस परिवार ने बचा लो भाई, ना तो ये मर जाऊगा कितने।